हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दाल बाटी। ये राजस्थान की फेमस डिश है। इसके लिए हम लोग को 1 कप तुअर की दाल लगेगी। ये मैंने तुअर की दाल ले ली है 1 कप। अब इसको अच्छे से धो लेंगे अच्छे पानी से, और धोने के बाद हम इसको कुकर में चढ़ा देंगे। इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे 3 कप। और 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और कुकर का ढक्कन लगा के इसमें 4-5 सीटियां दे देंगे। ये कढ़ाई दे दी है मैंने, इसमें 2 टेबल स्पून घी दे दिया है। इसमें मैं जैसे गर्म हो जाएगा 1 टीस्पून जीरा डाल दूंगी। ये किसी हुई गार्लिक है, उसको मैंने 1 टीस्पून इसमें डाल दिया है। और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें 1 प्याज जो कि मैंने फाइन चॉप करके रखा था उसको इसमें डाल दिया है, और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसमें मैंने 1 हरी मिर्ची जिसको फाइन चॉप करके रख दिया था, इसको मैं जब तक करूँगी फ्राई तब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही मेरा सब मसाला फ्राई हो जाएगा उसमें मैं टमाटर ऐड कर देती हूँ। 2 टमाटर काट के रखे हुए हैं मैंने, ये इसको भी ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसमें मसाला ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर, और इन सबको मिक्स कर देंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इस मसाले को पकने देंगे। जैसे ही मेरा मसाला पक जाएगा मसाला पक गया है मेरा, इसके अंदर मैंने जो बॉईल करी हुई दाल थी वो उसमें डाल दूंगी। और थोड़ा सा पानी डाल के कुकर में थोड़ा सा और पानी डाल के और इसमें डाल देंगे। अब इसको बॉईल होने दूंगी मैं। इसको 2-3 मिनट बॉईल करेंगे। जैसे ही मेरी दाल बॉईल हो जाएगी अब मैं इसको हरा पत्ती धनिया से गार्निश कर दूंगी। ये मेरी दाल रेडी है। अब बाटी बना लेती हूँ मैं। यहाँ 2 कप मैंने आटा दे दिया है। एक कप रवा दे दिया है जिसको सेमोलिना बोलते हैं। ये अजवाइन है 1 टीस्पून, इसको मैंने क्रश करके इसमें डाल दिया है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 2 स्पून ऑयल, घी भी डाल सकते हैं इस जगह आप, मैं ऑयल डालती हूँ, एंड 2 स्पून दही। दही कैसा भी चल सकता है, मीठा या खट्टा जो भी हो आपके पास। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के लिए को थोड़ा थोड़ा पानी लगेगा। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक इसका आटा लगा देंगे। जैसे हम लोग रोटी के लिए आटा लगाते हैं सॉफ्ट सा, उसी तरीके से आटा लगा के रख देंगे इसको। अब इसको रेस्ट करने के लिए रख दूंगी मैं 10 से 20 मिनट के लिए। 10 मिनट होने के बाद मैं इसको प्रेम कर लूँगी इस आटे को। मैं बाटी बनाने के लिए अपने हाथों को तेल से ग्रीस कर लूँगी और थोड़ा सा तेल ले लूँगी हाथों में, जिससे मेरे हाथ में बाटी के आटा ना चिपके। ये इस तरीके से मेरे को बनाना है बाटी।
और इसको एक बॉल के शेप में शेप दे देंगे और ऊपर से एक थंब इम्प्रेशन दे देंगे। इस तरीके से ही मैं सारी बाटी बना लूँगी। ये देखिए इसी तरीके से। इसी तरीके से सारी बाटियाँ बना लूँगी मैं। ये बाटी मेरी बनके रेडी हो गई है। अब मैं इसको बॉईल कर लूँगी। बॉईल करने के लिए मुझे एक बर्तन में पानी ले लूँगी मैं। 5-6 ग्लास पानी डाल दूँगी और उसको बॉईल होने दूँगी। अब इसमें मैं 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दूँगी एंड 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। और ये जैसे ही बॉईल हो जाएगा वैसे इसके अंदर मैं बाटी ऐड कर दूँगी, डाल दूँगी बाटी सारी और इसको ढक के उबलने दूँगी। इसको थोड़ा सा बीच बीच में से हिलाते रहें क्योंकि बाटी नीचे चिपक भी जाती है। जैसे ही मेरी ये बॉईल हो जाएगा 4 से 5 मिनट तक बॉईल करें, उसके बाद बाटी ऊपर आने लग जाती है। जैसे हमारी बाटी पक जाती है तो इस तरीके से ऊपर आने लग जाती है। ये बाटी मेरी सारी पक गई है तो मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। सारी बाटी पकने के बाद मैं ओवन में रख दूँगी। ये इस टाइप का ओवन है मेरे पास। आपके पास गैस ओवन हो तो उस पर भी आप बाटी को बेक कर सकते हैं। मैं इस तरीके से बेक करती हूँ। इसको 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम पे बेक करें। अब मैं इसको एक एक करके फ्लिप कर दूंगी। चमेटे की हेल्प से करें क्योंकि हाथ जल जाएगा आपका अगर हाथ से करेंगे तो। अब दूसरी साइड से बेक कर देंगे हम लोग। दोनों तरफ से इसको बेक करने के बाद इसको फ्लिप कर देंगे। दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए ये। ये देखिए मेरी तरफ से दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पक गई है। अब यहाँ पे मैंने एक बर्तन में घी दे दिया है। ये सारी बाटी को डिप करूँगी मैं इसके अंदर। बाटी को एक कपड़े में रख के और उसको बीच में से इस तरीके से फोड़े। ये देखिए इस तरीके से उसके बीच में क्रैक कर दें और फिर उसके अंदर घी भरे। ऐसे ही मैं सभी बाटी के साथ कर लूँगी। बाटियों में अच्छे तरीके से घी भरें क्योंकि दाल बाफलों में बहुत अच्छे तरीके से घी होता है, तभी वो अच्छी लगती है, स्वादिष्ट लगती है। ये मेरी बाटी रेडी हो गई है। लीजिए फ्रेंड्स, दाल बाटी रेडी है। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।